अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो गर्ल्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम जाएंगे शॉपिंग करने, वो भी एथनिक से। एथनिक पे एक तो फ्लैट 50 ऑफ लगा है और साथ साथ इनकी न्यू अराइवल भी आ गया है। यहाँ हम पहुँच गए थे एथनिक की आउटलेट पर और मिरहा भी मेरे साथ थी। चलें जी अंदर चलते हैं और विजिट करते हैं एथनिक का। आउटलेट में इंटर होते ही बहुत ही खूबसूरत सेमी फॉर्मल ड्रेस नज़र आया जो कि एथनिक की न्यू कलेक्शन में से है, और ये ड्रेस आपकी फैमिली में अगर कोई फंक्शन है तो आप वेयर कर सकते हैं और इसके साथ कोई प्यारी सी ज्वेलरी पहनकर इस ड्रेस की लुक को मोर फैंसी बना सकते हैं। और ये सेकेंड ड्रेस भी एथनिक की न्यू सेमी फॉर्मल कलेक्शन में से ही है। इसकी नेकलाइन बहुत ही खूबसूरत है और ये फुल लॉन्ग लेंथ फ्रॉक है, तो ये अगर आप किसी फंक्शन पे वेयर करें तो ये भी काफ़ी प्यारा लगेगा। यहाँ मीरा बस मुझे तंग कर रही थी और मुझे कह रही थी कि मम्मी ये ड्रेस ले लें, मम्मी ये ड्रेस ले लें। चलें सुनते हैं मीरा क्या कह रही है। ये नहीं लो? हाँ जी ये ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। दोनों ले लो। उसके बाद ये बहुत ही प्यारा कैजुअल ड्रेस था जिसके शोल्डर्स पर चुन्नर डाली गई थी जो कि पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है, और इसकी नेकलाइन भी बहुत ही प्यारी थी। अगर आप एथनिक का ये ड्रेस बाय नहीं कर सकते तो आप ये नेकलाइन का डिज़ाइन इजीली बनवा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लें, अपने टेलर को दिखाएँ तो आप ईजिली ऐसा ड्रेस डिज़ाइन करवा सकते हैं। और फिर ये टी पिंक ड्रेस था जो कि काफ़ी प्यारा था, और ये एक टायर्ड फ्रॉक था एक्चुअली में जिसके नीचे चुन्नर डाली गई थी। टायर्ड फ्रॉक के ऊपर पेटी बनाई थी, उसके बाद कोई चुन्नर नहीं थी, सिर्फ लास्ट में चुन्नर डाली गई थी। तो आप ऐसा ड्रेस भी खुद बनवा सकते हैं। इसमें एक और कलर था जो कि ग्रीन था और ये बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा था। ये मैंने पहन के भी ट्राई किया था क्योंकि इस ड्रेस पर तो मेरा दिल आ गया था। आप देखें ये ड्रेस बहुत प्यारा है, अगर आप चाहें तो ये बाय कर सकते हैं। और ये इस ड्रेस की कंप्लीट लुक है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और अब आते हैं इनकी फ्लैट 50 की कलेक्शन की तरफ। ये पहला ड्रेस था जो मुझे अच्छा लगा था, ये भी थोड़ा सेमी फॉर्मल ड्रेस था और ये फ्लैट 50 पे था। अगर आपके फैमिली में कोई फंक्शन है, आप थोड़ी सी एलिगेंट सी लुक रखना चाहते हैं तो आप ये वेयर कर सकते हैं। आप ये मेहंदी के फंक्शन पर भी पहन सकते हैं और मायों के फंक्शन पर भी। इसके बाद इनका ये पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे सारे फ्लैट 50 वाले आर्टिकल्स थे और काफ़ी प्यारे आर्टिकल्स थे। ये ग्रीन वन तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसकी नेक लाइन बहुत प्यारी थी, इसके नेक पे जो डिज़ाइन बना हुआ था वो बहुत ही प्यारा था। और इस ड्रेस का फैब्रिक आई थिंक लॉन कॉटन था और इस पर सारे फैब्रिक पर एम्ब्रॉयड्री हुई हुई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखें, यहाँ मैंने ये ड्रेस ट्राई भी किया था और इसकी सबसे प्यारी यही नेक लाइन लग रही थी। इसका नेक का डिज़ाइन बहुत प्यारा था, दोनों तरफ से इस तरह होल बने हुए थे और आगे इस तरह कट लगा हुआ था जो कि पहना हुआ काफ़ी एलिगेंट लग रहा था। और ये ड्रेस मैंने अपने लिए भी बाय भी किया है। उसके बाद आ जाते हैं इस ड्रेस पे, ये भी फ्लैट 50 पे था और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में था। इसकी प्राइस आई थिंक 4000 थी और ये बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस था। इसके बॉर्डर पे भी एम्ब्रॉयडरी थी, स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी थी और इसके नेक पे बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी थी, ऐसे ब्लोची स्टाइल की एम्ब्रॉयडरी थी। और ये स्टिच भी काफ़ी प्यारा हुआ था। ये एयरलाइन टाइप की शर्ट थी लेकिन इसके चौक ओपन थे। उसके बाद आ जाता है ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत था और इसका जो नेक का डिज़ाइन है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसका जो फर्स्ट होल है इसके नीचे कपड़ा नहीं है, उसके बाद जितने भी होल बने हुए हैं सब के नीचे कपड़ा है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप कोई भी सिंपल फैब्रिक लें और ऐसा डिज़ाइन बनवा लें पतली सी लेस लगवा के, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ड्रेस मैंने बाय कर लिया है। ये वेयर किया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इसकी बहुत अच्छी लुक आ रही थी। मुझे तो ये ड्रेस पर्सनली बहुत पसंद आया है। और इस ड्रेस की भी नेक का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था, इस पर वाइट एम्ब्रॉयड्री हुई हुई थी और इस पर नीचे भी एम्ब्रॉयड्री थी और इसकी स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयड्री थी। मैंने मोस्टली ऐसे ही ड्रेस आप लोगों को दिखाए हैं जो आप ख़ुद भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये ड्रेस भी काफ़ी प्यारा लग रहा था और इसके नीचे देखें कितनी प्यारी वाइट एम्ब्रॉयड्री है, इसके स्लीव्स पे भी है
और इसकी नेक तो बहुत ही प्यारी थी। आप ये नेक खुद भी इजीली बनवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा है एथनिक का, तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं और इस डिज़ाइन को आप बनवा भी सकते हैं। और ये वाइट कॉटन फैब्रिक का ड्रेस था, ये भी फ्लैट 50 पे था और इसके नेक पे जो ब्लैक एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। और सबसे जो मेन बात थी वो इस ड्रेस का डिज़ाइन था। इस ड्रेस के नीचे कट लगा हुआ है और उसके ऊपर ये टसल लगे हुए हैं, तो ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था ड्रेस। इसके फ्रंट पे भी एम्ब्रॉयडरी है और इस ड्रेस के बैक पे भी सेम ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी है। और ये ड्रेस एथनिक की न्यू कलेक्शन में से था, शलवार कमीज़। एथनिक में मोस्टली शलवार कमीज़ होती हैं, शॉर्ट सी शर्ट होती है और साथ इस तरह उनकी शलवार होती है और ये पहनने भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। उसके बाद ये एक येलो सा ड्रेस था, ये भी सेमी फॉर्मल ड्रेस था और ये डिस्काउंट पे नहीं था, उनकी न्यू कलेक्शन का ही ड्रेस था। मैंने कहा कि चलें आपको दिखा दूँ, अगर किसी का भी मायों का फंक्शन है या कोई भी ऐसा घर में फंक्शन है तो आप ये ड्रेस ले सकते हैं और पहन सकते हैं। ड्रेस काफ़ी खूबसूरत था रियल में, ये जैकार्ड फैब्रिक पे बना हुआ था और इस तरह इस पे गोटे की किनारी लगी हुई थी और एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई थी और इस ड्रेस की प्राइस थी 15,000। उसके बाद हम ऊपर आ गए थे, यहाँ पे बच्चों का पोर्शन था और बाकी फ्लैट 50 वाला पोर्शन था। एथनिक पे जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे पूरा साल ही तकरीबन सेल होती है और वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सारे आर्टिकल सेल वाले ही होते हैं। आप कभी भी जाएं तो वहाँ पे आपको सेल के आर्टिकल ही नज़र आएंगे। और उसके बाद ये एक सेमी फॉर्मल, बल्कि ये फॉर्मल ड्रेस था और ये फ्लैट 50 पे था, ये 6-7 हज़ार की रेंज में था ड्रेस। और अगर आप लेना चाहते हैं किसी फंक्शन के लिए तो आप इस ड्रेस को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ये प्लेन ड्रेस था और एथनिक के सॉलिड ड्रेस आजकल काफ़ी इन हैं और ये भी टायर ड्रेस था, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन था, इसका फैब्रिक जर्सी टाइप था और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। सॉलिड का भी आजकल काफ़ी फैशन है। उसके बाद ये वाइट ड्रेस था, इस पे पूरे ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और इसका फैब्रिक आई थिंक लीलन फैब्रिक था और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था रियल में। से कलरफुल सी एम्ब्रॉयडरी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आप साथ इसके वाइट कलर की शलवार पहने और साथ कलरफुल कोई दुपट्टा ले लें तो ये बहुत। जी आज का हमारा एथनिक का टूर तो ख़त्म हुआ, मैंने आपको आई होप अच्छे अच्छे ड्रेस दिखाए होंगे और मैंने ख़ुद भी बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग की है। उसके बाद हम आ गए थे खाना खाने, ये मुल्तान का बहुत ही फेमस होटल है 14th Street। अगर आप मुल्तान आएँ तो आपको अच्छा सा पिज़्ज़ा खाना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, ये एक अच्छी ऑप्शन है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।